हेलो एवरीवन मैं शरद यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर दोस्तों इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक पूर्वालोकन सीरीज जो कि 2023 का लेटेस्ट एडिशन था जिससे हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे और इसमें ये फिजिक्स की हमारी सेकंड क्लास होगी हालांकि इससे पहले लगभग सभी शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए थे और उसकी सारी क्लासेज भी कंप्लीट करा दी गई है केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री बची हुई है जिसकी क्लासेज ऑलरेडी अब चल रही है इसी के साथ तो इन सभी क्लासेस को आप देख सकते हो क्योंकि ये सभी आर ओ एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रही थी जिसमें पचपन से

साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना जहां पे बहुत सारी पीडीएफ और क्लासेस मिलती है लेकिन अगर आप इन शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ को बाई करना चाहते हो परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए मोर सेक्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा वहां पर आप मैसेज कर सकते हो और वहां से सारे पेमेंट सिस्टम को जान के हमारा स्टाफ आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेकंड लेक्चर को जो पहली बार इस फेज के लेक्चर को देख रहा हूं तो पहले लेक्चर को देख लेना जिसमें बहुत डिटेल से मैंने सी ओ को बताया है और तब उसके बाद आज का सेकंड लेक्चर देना तो आज हमारा चैप्टर नंबर सिक्स होगा लाइट जो कि इससे पहले हम लोग वो न्यूटनस लॉ वगैरह यांत्रिकी मैकेनिज्म और जो मात्रक यूनिट्स थी ये सारी चीजों को हमने पढ़ा था तो आज हम पढ़ेंगे लाइट और फिजिक्स के नोट्स जो है कि लगभग 38 या 40 पेजेस में है जो टोटल आपको पांच क्लासेस में कंप्लीट मिल जाएंगे आज सेकंड क्लास है और तीन क्लासेस इसकी और लेके आऊंगा मैं तो आप देखोगे पहला पॉइंट आता है कि पृथ्वी पर आने वाले जो सौर विकिरण का परास कितना होता है तो सौ नैनोमीटर से लेकर टेन पॉइंट सिक्स नैनोमीटर तक विस्तृत होता है कितना परास होता है जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है सूर्य का तो हंड्रेड नैनोमीटर से लेकर टेन की पावर सिक्स नैनोमीटर तक होता है अब टेन की पावर सिक्स को कैलकुलेट कर लो ओपन कर लो तो वहां तक पूरा का पूरा परास आती है हालांकि जो सोलर रेडिएशन होती है जो सूर्य से विकिरण निकलती है तो उनकी परास को तीन भागों में डिवाइड किया था एक होता है अल्ट्रा वायलट रेंज जिसको हम लोग किरणें कहते हैं जिसको 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है फिर होती है विजुअल रेंज जिसको हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं जो चार से लेकर सात नैनोमीटर तक होती है और एक होती है अवरक्त विकिरण जो कि इंफ्रा होती है जो सात से लेकर टेन की पावर सिक्स नैनोमीटर तक होती है अब अल्ट्रा वायलेट क्या होती है सामान्यता समताप मंडल में ओजोन लेयर के पास ही स्टोर हो जाती है जिससे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है हार्मफुल रिएक्शन नहीं होती और जो विजुअल रेंज होती है जो हमें दिखती है जिसको हम लोग कहते हैं दिन में धूप निकल रही है चमक आ रही है लाइट आ रही है इंद्रधनुष दिख रहा है तो ये सभी दृश्य होती है यानी विजुअल रेज होती है और उसके बाद होती है इंफ्रा रेड विकिरण अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 सौ एंगेस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर फाइव के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है और विशेषकर येलो ग्रीन कलर खासकर पीले और हरे कलर को जो है कि बहुत ही आसानी से जो एकी है कि हमारी आंखें देखती हैं तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 5500 एंगस्ट्रॉम क्योंकि तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक ही एंगस्ट्रॉम होता है मनुष्य का जो कान होता है दोस्तों वो 1000 से लेकर 5000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों के लिए सबसे सुग्राही होता है हालांकि ये माना जाता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर आप देखोगे कि 2 20000 हर्ट्ज तक होती है लेकिन सबसे बेहतर माना जाता है 1000 से 5000 अब यहां पर कुछ लोग जो है कि कंफ्यूज हो जाएंगे लिखेंगे कि सर जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं वो तो हम लोग सिक्सटी डेसीबल पर ही जो है कि बात कर लेते हैं कितने पर 60 पे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर्ड्स में मात्रक बता रहा हूं आवृत्ति के बारे में अगर हम बात करें कि हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में एक सेकेंड के एक बटे दसवें भाग तक बना रहता है और दृष्टि की दृढ़ता जो है कि वन मतलब एक बटे सोलह सेकंड तक होती है उसी तरीके से अगर हम बात करें कि प्रकाश जो होता है उसकी दोहरी प्रकृति हमें प्रदर्शित होती है एक तो होता है कभी ये कण के रूप में जानी जाती है और कभी ये तरंग के रूप में यानी कि कभी ये कण के समान देखने को मिलेगी और कभी ये हमें वेव के समान देखने को मिलेगी यानी तरंग के समान तो ये प्रकाश की दोहरी प्रकृति हो जाती है वहीं प्रकाश का तरंग तरंगदैद बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है हालांकि प्रकाश सीधी रेखा में ऑलवेज रहे ये जरूरी नहीं है कभी कभी वो फैला हुआ भी रहता है लेकिन उसकी तरंग तरंगदैद इतनी छोटी होती है, उसका विवर्तन इतना छोटा होता है कि वो हमें एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश की गति निर्वात में होती थ्री पॉइंट टेन थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर प्रति सेकंड अर्थात कह सकते हो कि जहां पे वायुमंडल नहीं है जहां निर्वात की स्थिति वायु नहीं है वहां पर जो है कि इसकी गति थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर प्रति सेकंड होती है जबकि ध्वनि की गति वायु में तीन सौ बत्तीस मीटर प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में तीन सौ बत्तीस मीटर तक ध्वनि जा सकती है जबकि एक सेकंड में जो है कि थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर तक जो है कि प्रकाश की गति जा सकती है वहीं प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से क्या होती है अधिक होती है और प्रकाश की गति और वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है अगर मैं कहूँ कि निर्वात में न हो जहाँ पे वायुमंडल हो धूल कण हो या कोई पारदर्शक वस्तु हो तो वहां पर आप देखोगे प्रकाश आ तो रहा है लेकिन धूल कणों से टकरा के थोड़ा सा विच्छेदित हो जाता है धीरे धीरे आता है या किसी पारदर्शक वस्तु या अपारदर्शक वस्तु के आसपास जब प्रकाश गुजरता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है लेकिन अगर वो निर्वात में जहाँ पे उसके बीच में कोई बैरियर नहीं है कोई मीडियम नहीं है ऐसी स्थिति में उसकी स्पीड क्या होती है बहुत तेज हो जाती है तो ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक चलता है और ध्वनि जो है कि ठोस में सबसे अधिक चलती है वहीं अगर हम बात करें जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है अब यहां पर समझने वाली बात है कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है अब अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक का मतलब होता है जहां पर प्रकाश पूरा का पूरा अवशोषित होकर रिटर्न होता है मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में चला गया जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है टी आई आर जिसको कहते हैं टोटल इंफ्रारेड मतलब इं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अब सबसे अधिक होता है हीरे में हीरे में क्या होता है जब प्रकाश पहुंचता है हीरे के अंदर तो वहां से जब वो रिटर्न हो रहा होता है अपवर्तन करके तो पूरे एरिया में हीरे के अंदर प्रकाश फैल जाता है और जिससे हीरा क्या होता है बहुत चमकदार या बहुत शाइनिंग दिखता है तो ऐसे में इसकी गति क्या होती है प्रकाश निकल नहीं पाता हीरे के बाहर से और उसी में अटक जाता है इसलिए उसकी गति धीमी होती है लेकिन निर्वात में अगर आप देखोगे तो इसकी गति मैक्सिमम होती है तो हीरे से कम होती कांच कांच से कम जल और निर्वात में जो है कि सबसे अधिक होती मतलब हीरे में सबसे कम होती है फिर कांच में उससे अधिक जल

तो आवृत्ति यहां पर अपरिवर्तित रहती है जबकि गति वेग तरंग दै अपवर्तनांक परिवर्तित हो जाता है अब आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि अगर प्रकाश को हम सघन से विरल माध्यम में निकालें या विरल से सघन माध्यम में निकाले तो ऐसे में कौन सी ऐसी स्थिति है जो परिवर्तित नहीं होती है तो वो होती है उसकी आवृत्ति यानी कि जो उसकी आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता प्रकाश के बल्कि उसकी स्पीड में आ सकता है उसकी विलोसिटी में आ सकता है उसकी में आ सकता है अपवर्तनांक में आ सकता है इन सब में चेंजेस हो जाते हैं सघन और विरल के आधार पर परंतु उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करती है ध्यान देना और इसके बाद अगर देखोगे कि प्रकाश का किरण जो होती है वो अगर सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो अविलंब से दूर हटती है और इसकी चाल बढ़ती जाती है क्योंकि तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि प्रकाश की चाल कहाँ पे अधिक होगी जब विरल माध्यम होगा या फिर निर्वात होगा तो आप देखोगे सघन वायुमंडल से जब ये विरल की ओर जा रही है अर्थात धीरे धीरे निर्वात की ओर बढ़ रही है तो इसकी स्पीड में वृद्धि देखने को मिलेगी क्यों अब जैसे यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन देखो जैसे मान लीजिए कि ये जो प्रकाश है ये ऊपर सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है और विरल माध्यम में जब जाती है तो जो अभिलंब होता है कि जो वस्तु होती है उससे दूर हट जाती है जिससे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मैक्सिमम हो जाती है तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी प्रकाश का जब गमन होता है सघन से विरल की ओर तो सामान्यतः उसकी स्पीड बढ़ जाती, वो से दूर हो जाती है क्योंकि तो चाल क्या होती है स्पीड क्या होती है घट जाती है जैसे यहां पर देखोगे कि ये जो विरल माध्यम है जैसे वायुमंडल हो गया या समताप मंडल हो गया या अंतरिक्ष हो गया जहां से विरल माध्यम होता है या यू कहीं निर्वात होता है जब वहां से पृथ्वी पर आती है किरणें तो आप देखोगे सघन माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस है, है।, है।, है प्रकाश इसलिए अब जैसे यहां पर मैं एक एक रूप में ले सकता हूं हीरे को, क्योंकि हीरे, हीरा क्या एक जब उसमें प्रवेश करता है प्रकाश तो वहां पर रुक जाता है और बाहर नहीं निकल पाता प्रॉपरली तो इसलिए स्पीड इस ऑफ लाइट यहां पर कम हो जाती है अब इसको समझिए जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है और जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं जैसे मृग मरीचिका जो आपको रेगिस्तान में देखने को मिलता है हीरा देखने को मिलता है तो ये अब जैसे मृग मरीचिका का मतलब क्या होता है जब आप किसी हाईवे वगैरह पे सड़क पे जा रहे होते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में तो आपको लगता है कि कुछ दूर पे कोई पानी पड़ा हुआ है रोड पर या रेगिस्तान में कहीं पानी दिख रहा होता है लेकिन आप जब उस जगह तक पहुंचते हो तो आपको लगता है कि वहां पे पानी नहीं था बल्कि वो तो सूखा जगह दिख रहा है तो ध्यान देने वाली बात है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही थी लेकिन

कई बार पूछा जाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है यह यह भी सिलिका से बनी एक पतली सी बेलनाकार नलिकाएं होती हैं और इसमें ऊर्जा उपभोग अत्यंत कम होता है यानी कि जो इसमें ऊर्जा का क्षरण होता है बहुत कम होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बहुत अच्छा होता है आप देखोगे इसी को हम वायर कह सकते हैं जो हमारे घरों में जो वायर लगते हैं इसी की तरह होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में भी जैसे एंडोस्कोप से पेट के अंदर का परीक्षण किया जाता है तो इसे ऑप्टिकल फाइबर से ही निर्मित किया जाता है एंडोस्कोप को फिर बात करें श्रव्य संकेतों के प्रेक्षण प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉड्युल यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो श्रव्य संकेत होते हैं उसके प्रेक्षण या प्रेषण के लिए अब दृष्टि पटल की बात करें जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं इस पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है वास्तविक होता है और उल्टा बनता है लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है है अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे बताओ आप जो भी चीज देख रहे हो वास्तविक रूप में क्या वो आपके रेटिना पे उल्टा है कि सीधा है तो यह मत सोचना आप जो चीज सामने देख रहे हो कि तो वो सीधी खड़ी हुई है इट मीन की रेटिना उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो देखिए छोटा तो बनाता है आपकी आंखों के सामने हर चीज को छोटा रखेगा तभी तो आप देख पाओगे उसे पूरी तरीके

अब बात करें किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है मैंने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जब शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि जैसे कोई तारे में जो है कि परिवर्तन होता है तो कैसे वो श्वेत वामन बनता है रक्तदान विस्फोट जैसे जैसे उसके टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है या घटता जाता है तो उसके रंगों का भी आकार प्रकार और रंग बदलता जाता है भार के अनुपात में तारों में जो है कि सबसे अधिक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा सेवेंटी प्रतिशत ट्वेंटी के आसपास हीलियम देखने को मिलेगा और वन में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो तारों में सबसे अधिक क्या मिलेगा हाइड्रोजन अब इसमें रटना क्या है दोस्तों और हीलियम ये क्यों रट रहे हो क्योंकि तारों का एक एग्जाम्पल आपको पता है कि सन भी होता है सूर्य भी तो तारे होते हैं तारे किसे कहते हैं तारे उसे कहते हैं जिसके पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो किसी चीज को अपनी ओर खींच सकता है और दूसरा उनके पास अपना एक स्वयं का प्रकाश होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब पृथ्वी के पास भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी भी तो कई सारी चीजों को अपनी ओर खींचती है लेकिन पृथ्वी के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से ही जो है कि प्रकाशवान होती है दिन में और रात में अंधेरा हो जाता है अगर पृथ्वी के पास अपना प्रकाश होता तो ट्वेंटी आवर वो जो है कि दिन रहता रात तो नहीं होनी चाहिए थी तो इसलिए पृथ्वी को ग्रह कहते हैं लेकिन सूर्य सन है सन जो है कि स्टार होता है तारा जिसके पास अपना प्रकाश भी होता है और सन का अगर जो निर्माण होता है तो आप देखोगे इसमें दो हाइड्रोजन के अणु शामिल होते हैं तो हीलियम बनता है और बहुत अधिक मात्रा में क्या बनती है एनर्जी बनती है तो हीलियम सेकंड नंबर पे आएगा लेकिन हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आएगा तो ये रटना नहीं है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको इस फिजिक्स में समझाते रहूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए अब यहाँ पर देखोगे तारों का जीवन काल द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है जो तारा जितना अधिक चमकीला हो रहा है उसका जीवन काल उतना ही कम है यानी कि वो धीरे धीरे मरणासन की ओर जा रहा है

क्योंकि ये सारी तरंगे आपके सूर्य के पास से निकल रही हैं और जब ये तरंगे लंबी दूरी तय करेंगी तो धीरे धीरे उसमें ऊर्जा का मान कम होता चला जाएगा और अगर वही तरंग कम दूरी तय कर रही तो सारी की सारी ऊर्जा उसने अपने अंदर स्टोर कर रखी है तो इट मीन्स की बैंगनी की जो तरंग दादी वो सबसे कम है यानी कम दूरी तय करती तो इसका मतलब हो गया इसके पास एनर्जी सबसे अधिक बची हुई है क्योंकि तो ये कम दूरी चल रही है लेकिन अगर आप लाल रंग की बात करोगे जो बहुत लंबी दूरी तय करता है तो ऐसे में इसके पास ऊर्जा न्यूनतम बचेगी अब वही बात है कि अगर आप और आपके दोस्त कहीं जाने चाह रहे हो कहीं रनिंग करना चाह रहे हो एनर्जी के तौर पे तो उसने दौड़ा 100 मीटर उसके पास पूरी एनर्जी बची हुई है आप दौड़े 100 मतलब एक किलोमीटर यानी कि दस दस मल्टीपल जोड़ लीजिए हजार मीटर जोड़ लीजिए तो आपके पास एनर्जी कम बचेगी क्योंकि आपने दूरी ज़्यादा तय की है ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए फिर वहीं पर अगर हम बात करेंगे इसी में आप देखोगे कि अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक प्रिज्म है ठीक है और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो किस कलर का होता है श्वेत प्रकाश होता है मूलतः वो व्हाइट कलर का होता है यही जब प्रिज्म से टकराता है तो उसके बाद ध्यान देना कि ये विरल माध्यम से प्रवेश करके जब सघन माध्यम की ओर बढ़ता है वायुमंडल में आता है तो ये सात अलग अलग कलरों में रंगों में बदल जाता है ठीक जिसमें सबसे कम विचलित होता है लाल रंग और इस वजह से इसकी तरंग दैद लंबी दूरी होती है अगर ये ज्यादा विचलित होता तो हमें दूर से क्या लगता है कभी लाल लगता कभी पीला लगता कभी हरा लगता और ट्रेन का ड्राइवर कंफ्यूज रहता है कि मुझे सिग्नल मिल रहा है गाड़ी चलाने का या सिग्नल मिल रहा है मुझे गाड़ी रोकने का तो अगर इसका विचलन ज्यादा होता है इसीलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और ये अविलंब की ओर कम झुका ये देखिए ये अविलंब है आपका ये क्या है दोस्तों अविलंब है ठीक है या मैंने लिख दिया अभिलम्ब और ये आपकी लाल रंग है जो कम झुकती है लेकिन सबसे अधिक आपको देखो झुकी कौन है अभिलंब की ओर बैंगनी किरण है क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग कम होती है और ये सबसे अधिक विचलित हो जाती है तो सबसे कम विचलित कौन होगी लाल रंग होगी लेकिन उसमें ऊर्जा क्या होगी ज्यादा होगी कम कम क्योंकि उसने लंबी दूरी तय की है ठीक तो ये सब बेसिक प्रश्न है आपसे जो पूछे जाते हैं अब यहां पर आप देखोगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय के कुछ पहले ही सूर्य दिखाई दे देता है यानी अगर हमें सुबह पांच बजे सूर्य दिख रहा है तो इट मीन्स कि वो सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है बल्कि हो सकता है सवा पांच से साढ़े पांच बजे तक सूर्य का उदय होगा लेकिन वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से उसकी किरणें पहले ही हमें दिखने लग गई और तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता है यानी कि सूर्य डूब चुका है सात बजे शाम को लेकिन उसकी जो पीली और लाल छटा वाली जो किरणें हैं वो हमें एहसास करा रही हैं कि सूर्य अभी भी दिख रहा है हमें लेकिन असल में सूर्य जो है कि डूब चुका है मतलब सूर्यास्त हो चुका है तो ये क्रियाएं आपके अपवर्तन के कारण होती है रात में तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है अब यहां पर हम देखें अभी इसी पे तो आधारित प्रश्न आया था आपका जो स्विमिंग पूल से संबंधित था तो अपवर्तन ही तो उसका उत्तर था खतरे का सिग्नल यानी कि रेलवे सिग्नल या सड़क पर लाल सिग्नल इसलिए लगाए जाते हैं तो क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य जो है कि सबसे अधिक होती है सर्वाधिक दूरी और इनका जो प्रकीर्णन होता है यानी कि विचलन होने का जो कारण होता है फैलना ये न्यूनतम होता है तो इसीलिए हमें सूर्य की लाल किरणें क्या होती है बहुत दूर से भी दिखती है आपको क्या लगता है कि सूर्य आपके पास है आपके पड़ोस में रहता है सूर्य लाखों करोड़ों वर्ष जो है कि हमसे दूर है और ऐसे में भी उसकी लाल किरणें हमारे पास एकदम स्पष्ट आके दिखती हैं क्यों क्योंकि लाल किरणों की तरंगदे सबसे अधिक होती है लेकिन उसके पास एनर्जी कम होती है प्रकीर्णन कम होता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है चूंकि नीला रंग अधिक प्रकीर्णन होता है प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना मतलब एक सीधी रेखा में ना जाके प्रकाश फैल जाता है और इसकी तरंगदैद कम होती है जिसकी तरंगदैद कम होगी वो सामान्यतः फैल जाएगा और इस वजह से ही समुद्र का नीला रंग भी दिखाई देता है आगे देख लेते हैं हरी घास की पत्तियों पर देखो ये सारे के सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट वाइज ये सभी आए हुए प्रश्न हैं और साथ में इनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या उनकी व्याख्या हो सकती है वो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को तो आप मैक्सिमम प्रश्न आप बिल्कुल सही से सही कराओगे जैसे हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित जो वर्णक होते मुख्यतः लाल रंग बैंगनी रंग और नीला रंग नारंगी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं जबकि हरे रंग को परावर्तित करती है और इसलिए हमारी आंखों पर क्या दिखता है पत्तियां हरे रंग की दिखती है असल में क्या होता है जो प्रकाश में आने वाले सात रंग होते हैं तो सात में क्या होता है मैक्सिमम रंगों को अवशोषित कर लेती है घास बस हरे रंग को रिटर्न कर देती है और जो प्रकाश रिटर्न होता है वही हमारी आंखों को दिखता है तो हमें लगता है कि प्रकाश कैसा है हरे रंग का है नेक्स्ट आता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के व्यतीकरण अब इसकी बात करें तो यह एक उदाहरण है जैसे साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना अब एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है दर्पण को लेके लेंस को लेके तो ये भी आज क्लियर हो जाएगा देखो उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर इससे क्या होता है प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा और सीधा और आभासी बनता है अब जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो अपने साइड मिरर में देखोगे फोर व्हीलर में बाइक में ट्रक में साइड मिरर में आप देखोगे तो आपके पीछे की जो चीजें हैं वो आपसे बहुत छोटी दिखती है जरा सा शीशा जो होता है साइड में उसमें सारी चीजें कैद हो जाती है और पता चलता है कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है कौन सी गाड़ी हमें ओवरटेक कर रही है कौन सी नहीं तो ये जो साइड मिरर का प्रयोग होता है वो उत्तल दर्पण से होता है तो सामान्यतः मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है ठीक है अब उत्तल दर्पण की जो खासियत होती है वो ये होती है कि प्रकाश की परावर्तक उत्तल सतह ये वाली होती है जो बाहर की ओर निकली होती है वहीं अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इसकी सतह जो होती है वो अंदर की ओर धसी हुई होती है किधर होती है अंदर की ओर अवतल दर्पण से प्रत, बना प्रतिबिंब आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है वास्तविक एवं आभासी होता है जैसे दाढ़ी बनाने वाले के लिए जो शीशा होता है बड़ा बड़ा जो सलून में होता है डॉक्टर के द्वारा जो दांत देखने के लिए जो शीशे का प्रयोग किया जाता है औजार का उसमें क्या होता है जब वो आपके मुंह में होठों के नीचे जब लगाता है तो उसको दांत उतना छोटा नहीं दिखता जितना रियल में उसको बल्कि बड़ा दिखने लगता है ताकि वो आसानी से मसूड़ों और दांतों के बीच में जो कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या कोई बीमारी हो उसे देख पा रहा हो ध्यान देने वाली बात है कि अवतल दर्पण को हम नतोदर नतोदर दर्पण भी कहते हैं अब इसमें जैसे गाड़ी की हेडलाइट हो गई टॉर्च हो गया दंत विशेषज्ञ इसका प्रयोग करते हैं अब गाड़ी की हेडलाइट से क्या होता है प्रकाश आपको बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ दिखता है टॉर्च के आगे शीशा तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसका जो प्रकाश होता है बहुत दूर तक और बहुत फैल के जाता है तो इन सभी चीजों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और जहां पर चीजें छोटी करके देखनी होती है उसे हम उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं जहां पर चीजें बड़ी करके देखनी होती वहाँ पे है वहां पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अभी हम दर्पण की बात कर रहे हैं लेंस की बात नहीं कर रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक और बड़ा होता है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसी हो सकती है अनंत हो सकती है तो क्योंकि जब समानांतर समतल दर्पण की बात हो रही है तो इनके बीच कोई भी वस्तु रखोगे तो इनकी बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे अब यहां पे देखो जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है ध्यान देना जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है अब आप कहोगे सर वर्षा गिरती है धूप थोड़े गिरती है आपके दिमाग में ये आएगा कि सर वर्षा गिरती है वर्षा का पानी गिरता धूप नहीं गिरती है तो ध्यान देना जब वर्षा हो रही होती है ऊपर आसमान में से और उन वर्षा की बूंदों पे जब धूप की किरणें पड़ती हैं ना तो वो एक प्रिज्म के रूप में काम करती है वर्षा की बूंदो और जहां से धूप की किरणें जो आ रही थी वो टकरा के जो है कि सात रंगों में बिखर जाती है और वही आपको आसमान में इंद्रधनुष का निर्माण करती है जिसके लिए परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन की घटना जिम्मेदार होती है तो यहां से आप ये चीज रट लो कि इंद्रधनुष बनने के लिए परावर्तन की भी आवश्यकता होती है आंतरिक परावर्तन की भी आवश्यकता होती है और अपवर्तन की यानी दो बार परावर्तन हो रहा है चाहे पूर्ण आंतरिक हो या नॉर्मल परावर्तन और एक बार अपवर्तन हो रहा है तो यह भी कई बार पूछा जाता है था कि कितनी बार परावर्तन होता है तो दो बार परावर्तन की घटना होती है और एक बार क्या होता है अपवर्तन की घटना होती है तो इनको जरा ध्यान से रखिएगा

क्लियर है इसी रेंज में आपको सारी चीज याद अब इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत स्थिति में निर्मित होता है यानी मॉर्निंग में अगर हो रहा है तो पश्चिम दिशा में क्योंकि मॉर्निंग में सूर्य पूरब से उगता है और अगर इवनिंग में आपको इंद्रधनुष दिख रहा है तो इट पूरब दिशा में है। क्योंकि पश्चिम में तो सूर्य अस्त होता है डूबता है क्योंकि भाई सूर्य से जो किरणें आ रही है वो कहीं ना कहीं अपने अपोजिट डायरेक्शन में तो जाके बारिश की बूंदों पर टकराएंगी तो ये बेसिक पॉइंट है अब यहां पर हम देखते हैं कि जल में वायु का जो बुलबुला है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा अवतल करेगा अपसारी लेंस। समान फोकस दूरी के मैंने लिखा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए अब जैसे आपके घरों में कई बार आप देखोगे जो अलमारी वगैरह होती है गोदरेज अलमारी जो नई नई बहुओं को मिलती है या अपने घरों में भी लोग रखते हैं तो उसमें शीशा लगा होता है या बहुत सारी लड़कियां या लेडीज अपने घरों में एक श्रृंगारदानी वाला शीशा रखती है बड़ा सा तो उसकी हाइट अगर आप देखोगे उसमें आप देखोगे दूर से हटके तो आपको पूरा इमेज दिखता है आपका पूरा शरीर दिखेगा तो वो क्यों ऐसा होता है क्योंकि कम से कम उसकी आधी हाइट तो होनी चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा पीछे हटे और आपका पूरा बॉडी आ जाए उसमें आप कभी देखे हो कि जो आपका छोटा वाला शीशा होता है जो घरों में लगा होता है फेस देखने के लिए उसमें आपकी पूरी बॉडी क्यों नहीं दिखती क्योंकि तो वो आपके शरीर का आधा भी नहीं है वो आपके एक पैर के बराबर है अगर आप उसमें अपनी पूरी इमेज को कैप्चर करना चाहते हो तो कम से कम आपको बीस से तीस मीटर पीछे हटना पड़ेगा तब जाके उसमें पूरी इमेज कैप्चर हो पाएगी तो ये चीजों को ध्यान देने वाली बात है फिर इसके आगे हम बात करें आवर्धक कांच की बात करेंगे जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं या लेंस कहते हैं जो जलाने वाला होता है इसमें उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है सिंपल है जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है गोल कलर का मतलब गोल सा होता है और उसमें हम जो है कि धूप की किरणों को दिखाते रहते हैं और नीचे जो पेपर होता है घास होता है उसे हम जलाने की कोशिश करते हैं कि हीट पैदा करेगी जलाएगी तो इसमें उत्तर लेंस का प्रयोग होता है अच्छा दूर दृष्टि और निकट दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है तो इसको जरा बहुत आराम से समझ लो एक ही बार में दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है अब दूर से द और उ पे ऊ की मात्रा लग रही है इसलिए इसको हम दू कह देते हैं तो यहां से आपको ऊ की मात्रा का मतलब उत्तर लेंस का प्रयोग किया जा रहा है तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग होगा और इसमें निकट का दिखाई नहीं देता तो ध्यान देना जो भी दृष्टि दोष होता है उसमें वो तो दिखता है लेकिन उसके जस्ट अपोजिट नहीं दिखता अब दूर दृष्टि दोष का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दूर का नहीं दिख रहा बल्कि दूर का तो स्पष्ट दिखेगा बल्कि नजदीक का नहीं दिखेगा और जो निकट दृष्टि दोष होता है निवारण के लिए उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया था जब आपने दू से याद कर लिया कि द से दूर और द पे जो दू की मात्रा है उससे उत्तर तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होना चाहिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया क्योंकि इसमें दूर का दिखाई नहीं निकट वाले में निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता और इसी रोग को हम मायोपिया भी कहते हैं अब ध्यान देना कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है और अभिसारी लेंस के रूप में काम करता है कन्वर्जिंग के रूप में ये काम करता है तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट आप लोग अपना चश्मा यूज करते हो वो सामान्यतः उत्तर लेंस का बना होता है इसी तरीके से सिलेरी मांसपेशियों के शिथिलन और संकुचन से आंख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप आंख के लेंस की फोकल दूरी बढ़ जाती है और परिवर्तित हो जाती है जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम होती है लेंस की शक्ति को अगर हम बात करेंगे किससे मीजर किया जाता है डायोप्टर से मेजर किया जाता है डायोप्टर से अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है हो, हमेशा पॉजिटिव होती है और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है हो, हमेशा निगेटिव होती है अब इसकी मैं बात बता दूं तो कैसे आप समझोगे जब भी आप कभी चश्मे वाले की दुकान पे जाते हो और चश्मे वाला दुकान पे जब आपकी आई विजुअल करता है आपका चेकअप करता अच्छा है तो कहता है कि भाई आपका जो है कि प्लस जो है कि बढ़ गई यानी कि प्लस .25 हो गया या प्लस फिफ्टी जो है कि आपकी बढ़ गई और दूसरी आंख को कहता है कि भाई इसमें जो है कि माइनस में जा रही वन ऐसे करके आपने देखा होगा तो माइनस का मतलब है कि वो यहाँ पे अवतर लेंस का प्रयोग करेगा और प्लस टू का मतलब यहाँ पे उत्तर लेंस का प्रयोग करेगा तो ये होते हैं दोनों लेंस के बारे में और धूप के चश्मे की पावर जीरो डायोप्टर होती है क्योंकि बस वो आपको धूप की किरणों से बचा रहा होता है वो उसमें कोई पावर नहीं होती है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो बनता है रेटिना पर और हमेशा यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपने मम्मी पापा से कहना कि आप उल्टे खड़े हो बल्कि सीधा मैं देख रहा हूँ और बस वो उसी पर थप्पड़ लगाएंगे आपको कान के नीचे सितार बजाना जिसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है रेटिना के पीछे बनता है ध्यान देना दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर का दिख रहा है लेकिन निकट का नहीं दिख रहा है तो यानी रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है तो ऐसे में रेटिना के आगे बनता है वे मूल वर्ण यानी रंग जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं तो जो प्राथमिक रंग के कॉन्सेप्ट होते हैं वो RGB होते हैं। आर जी बी होते हैं बीजीआर जीबीआर कह दो जो भी याद कर लो लाल हरा नीला यही हमारे प्राथमिक रंग होते हैं इनके बाद बाकी रंग परिवर्तित होते जाते हैं सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है कि सात रंगों का मिश्रण है सूर्य का श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है इसमें सेवन रंग होते हैं जिसको हम विप ग्योर कहते हैं और हमने इसको पहले ही पढ़ लिया कि विप ग्योर को क्रम से अगर देखोगे तो बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल हो जाएगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है ऊष्मा और ऊष्मा गति की यानी हीट से संबंधित अब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे अब इसमें अगर हम देखेंगे ऊष्मा और ऊष्मा गत्तकी के अंतर्गत तो देखो हीट की बात कर रहे हैं तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसी अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु हालांकि अगर आप किसी भी वस्तु को देख रहे हो तो एक ही अवस्था में देखोगे अगर मैं बर्फ की बात करूँ तो बर्फ जो होती है आइस होती है वो अगर आपको ठोस अवस्था में दिख रही है लेकिन जब आप उसे गर्म कर रहे होते हो या उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हो फ्रिज के टेम्परेचर से बाहर करते हो जीरो डिग्री से ऊपर तो समानता धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में बदलती है और पानी हो जाती है लेकिन जब आप उसे हीट देते हो, गर्मी कि कि आप उसे गर्म कर रहे होते, तो गैस में बदल जाती है, यानी तीनों अलग-अलग अलग-अलग अवस्थाएं, सिचुएशन अलग -अलग पर जा है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी वस्तु, वस्तु, या या कई सारी ऐसी जो तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकती है, तो उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु जबकि लोहे वाले या ठोस वस्तुओं में क्या होता है चालन की विधि से होता है और इस प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं जैसे कि संवहनी वायु होती है अब जैसे आप देखोगे कि पृथ्वी के धरातल पे जितनी भी सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, वो क्या करती है इसको हीट पैदा करती है यानी गर्म और यहाँ से जो है कि वायु क्या होती वो है वो जो वायुमंडल के कण होते हैं वो गर्म होकर क्या होते हैं ऊपर उठने लगते हैं और इसलिए जो है कि संवहनी माध्यम से आपके गैस और द्रव गर्म होते हैं थर्मल फ्लास्क में अगर हम बात करें तो थर्मल फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन संवहन यानी संचलन जो होता है वो संवहन विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है और इसलिए तरल पदार्थ गर्म या ठंडा बना रहता है जैसे कि मिल्टन की आप बोतल देखते होंगे तो उसमें क्या होता है समानता मिल्टन बोतल में कि उसमें जो थर्मल फ्लास्क होता है उसके बीच में एक वैक्यूम बना होता है जिससे ना तो हीट बाहर जाती है ना भी ना हीट अंदर आती है और इसलिए जो पदार्थ जिस फ्रिक्वेंसी में होगा अगर ठंडा तो ठंडा रहेगा गर्म है तो गर्म रहेगा अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लो कि माइनस चालीस डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फॉरेनहाइट में समान होता है इसका संबंध क्या सी अपॉन फाइव एफ माइनस थर्टी टू बटे नाइन स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान तीनों फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो आपने पढ़ा होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और कैल्विन में लगभग याद नहीं रहता है क्योंकि कैलविन में कभी डॉक्टर मेजरमेंट नहीं करते हैं और आपने कभी देखा भी नहीं है या तो डॉक्टर फॉरन में लिख देगा या सेल्सियस में लिख देगा लेकिन कैलविन में आपको तीन पता रहना चाहिए आगे देखते हैं कि ताप के सेल्सियस, और रियूमर, रियूमर, पैमाने का मान होता है, जबकि कैलविन का मान हमेशा ऋणात्मक नहीं होता कैल्विन का मान ऋणात्मक नहीं होता आगे देखते हैं एल्कोहल यानी कि जो ड्रिंक होती है एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण एल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों देशों पर इसका हिमांक यानी कि जमना काफी नीचे हो जाता है और जिससे शून्य से काफी कम तापमान पर भी यह द्रव अवस्था में पड़ा रहता है एल्कोहल का क्योंकि जो है की आप देखोगे फ्रिज में रखने पर भी नहीं जमेगी और इसलिए यह पारे अपेक्षा बेहतर तापमापी साबित होता है जबकि पारा जो है कि न्यूनतम तापमान पे आके जम जाता है स्वचालित इंजनों में अगर हम बात करें तो जो स्वचालित इंजन है उसमें एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है ठंडे देशों में प्रयोग किया जाता है इसका परम शून्य तापमान क्या होता है परम शून्य तापमान का मतलब होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान और इस पर या इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है इसी को हम परम शून्य तापमान कहते हैं जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो जीरो डिग्री कैल्विन को हम परम शून्य तापमान कहते हैं अगर मैं इसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलूंगा तो माइनस के दो डिग्री सेल्सियस में इसको कह सकता हूँ किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है जबकि घनत्व में कमी आती है तो जैसे अगर आप देखोगे वायु और जल अगर हम वायु को गर्म करेंगे तो वायु क्या होगा आयतन बढ़ेगा और वो ऊपर के वायुमंडल में उड़ जाएगी और उसका घनत्व तो जो ठोस था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जल भी क्या होगा गर्म होकर भाप के रूप में बनेगा और आयतन बढ़ता जाएगा और ये ऊपर उड़ जाएगा जबकि इसके आप घनत्व में देखोगे तो कमी आने लगेगी ढला हुआ जो लोहा होता है बर्फ या बिस्मत पीतल एंटीमनी आदि गलने पर आयतन इनके सिकुड़ते हैं अर्थात इनके आयतन में क्या होती है कमी आने लगती है ये सिकुड़ जाते हैं। और थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित स्थिर नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है ऊर्जा की बचत होती है जैसे फ्रिज वगैरह में यूज किया जाता है इसका थर्मोस्टेट का फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो 40 डिग्री फॉरन हाइट से 140 डिग्री फॉरन हाइट के मध्य जो टेम्परेचर में जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है इसलिए फ्रिज रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षा हेतु तापमान को 40 डिग्री फॉरन हाइट से कम अर्थात चालीस चार डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है इसीलिए फ्रिज में जो है कि सभी सामान सुरक्षित रहते हैं हमारा नेक्स्ट है ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से हमेशा शीत निकाय की ओर होता है और पे से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ पिघलने लगती है जबकि ऊष्मा का हराश होने के कारण पेय पदार्थ ठंडा हो जाता है जैसे कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ जो गिलास है या बियर का भरा हुआ गिलास तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक भरते हैं किसी गिलास में तो क्या होता है कि उसके बाहर जो है कि एक बूंदों की तरह परत जम जाती है जैसे लगता है कि बाहर से गिलास क्यों ठंडा हो गया जबकि उसमें बर्फ भी नहीं थी क्योंकि उसे बाहरी वायु से बाहरी वातावरण से क्या किया अपने आप को नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश की है बड़े जो शीत गृह होते हैं संयंत्र उसमें प्रशीतक जो होते हैं कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया का प्रयोग होता है जबकि घरेलू फ्रिजों में सी अब जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहां पे खाद्यान्न सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है तो उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो सामान सुरक्षित रहे और फ्रिजों में क्या होता है क्लोरो यानी सी का प्रयोग किया जाता है हालांकि सी सबसे बड़ा हानिकारक होता है ओजोन परत के क्षरण में अब यहाँ पे बात करें यदि हवा का तापमान बढ़ता है अर्थात हवा शुष्क होती है टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा सूखेगी तो उसकी जल ग्रहण क्षमता या जल ग्रहण जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और अधिक बढ़ेगी जितना अधिक हवा सूखी रहेगी उतनी ही वो नमी धारण की क्षमता बढ़ाएगी और वो जैसी समुद्री या जल जो मंडल है उसके ऊपर से गुजरेगी तो बहुत सारी वो जो है कि आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एसी और एयर कूलर दोनों टेम्परेचर और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं एसी भी करते हैं और एयर कूलर भी करते हैं परंतु जहां एसी आर्द्रता को भी नियंत्रित करती है वहीं एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करते हैं अक्सर आपने सुना होगा घरों में या फील भी किया होगा कि जब हम पानी भर के कूलर चलाते हैं गर्मी में तो हमारे बॉडी और हमारे रूम में बहुत चिपचिपाहट होती है क्योंकि वो जो ह्यूमिडिटी होती है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं करती वो पूरी ह्यूमिडिटी या तो फर्श पे बिस्तर पर आपकी बॉडी पर होती है और बड़ा चिपचिपापन महसूस होता है लेकिन वहीं ए में देख लीजिए वो ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करती है इसलिए एसी वाले रूम में सामान्यतः तो पसीना होता ना हमारी बॉडी चिपचिपाती है कमरे में लगा एसी केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को ही नियंत्रित करता है फिर आगे बात करें एसी में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे कमरा ठंडा रहता है तो यहाँ पे कंप्रेस्ड गैस का प्रयोग किया जाता है और कम आद्रता एवं अधिक टेम्परेचर होने पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि तो जब आद्रता कम है और टेम्परेचर अधिक है तो कहीं कही ना कहीं वो सारा का सारा पानी जो आपके कपड़ों में वो भाप बनकर उड़ जाएगा जल में नमक जैसी अगर हम अशुद्धि मिला देंगे तो इसका क्वनांक बढ़ जाएगा जबकि गलनांक कम हो जाएगा ये पॉइंट बड़ा डिस्प्यूटेड होता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं तो जरा मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ देखिए अगर आप जल को नमक मिला दोगे तो क्वनांक बढ़ने का मतलब होता है कि तब जैसे जल सामान्यतः सौ डिग्री पे क्या होता है गर्म होने लगता है है, ध्यान से समझना जो है कि 100 डिग्री पे क्या होता है गर्म होने लगता है पानी यह नॉर्मल माना था है लेकिन अगर मैं उसमें नमक बढ़ा देता हूं या नमक डाल देता हूं तो उसका कथनांग बढ़ने का मतलब हो गया कि अब वो लगभग एक डिग्री सेल्सियस पे गर्म होगा खोलने लगेगा और उसका गलनांक कम हो जाएगा एग्जाम्पल में देखो जीरो डिग्री पर पिघलती हुई बर्फ पर अगर हम नमक या सोरा मिला दें तो बर्फ का गलनांक जीरो डिग्री से घट के माइनस बाईस डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मतलब कि क्या हो गया कि जीरो डिग्री पे सामान्य क्या होता है जीरो डिग्री से कम अगर तापमान होता है एक माइनस एक हो जाए माइनस टू हो जाए तो उस पर बर्फ जमी रहती है लेकिन जैसे वो जीरो डिग्री या एक डिग्री पे आ जाती पॉजिटिव रूप में तो बर्फ पिघलने लगती है पानी के रूप में बदल जाती है लेकिन अगर मैं उस पर नमक छिड़क दू ना तो जीरो डिग्री पे नहीं पिघलेगी मतलब गलेगी बल्कि वो माइनस बाईस डिग्री जाके जब तक बाईस डिग्री का टेम्परेचर नहीं होगा तो इसका गलनांक घट जाएगा और अधिक ऊंचाई और पहाड़ों पर वायुमंडल का दाब क्या होता है कम होता है यह भी प्रश्न आपका आरओ में पूछा गया था जिससे जल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है अब यहाँ पे जब दाव कम हो गया प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पर क्या होता है जल को 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है और यहाँ खाना कच्चा रह जाता है और इसलिए जल में जब हम नमक मिलाते हैं तो उसका क्वनांक बढ़ जाता है ताकि वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या एक डिग्री सेल्सियस पर जाके गर्म होगा और जिससे खाना पूरी तरीके से पक जाएगा श्वेत वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि तो ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं अर्थात एल्बिडो का मान अधिक होता है अब ध्यान से समझने वाली बात है इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहने चाहिए हल्के रंग के कपड़े पहने चाहिए ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि जो काला रंग हो जाता है जितना भी डार्क कलर होगा वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा और आपके अंदर बॉडी में गर्मी पैदा करेगा लेकिन जितना हल्का कलर होगा सफेद वगैरह हो गया लाइट कलर हो गया वो उतना ही सूर्य के प्रकाश को कम एब्जॉर्व करेगा बल्कि बदले में क्या करेगा रिटर्न करेगा ज्यादा से ज्यादा जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा शरीर से पसीना बहने से जल की हानि वातावरण के टेम्परेचर और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करता है पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि यहां पर अगर हम देखेंगे मिट्टी के घड़े में क्रिया के कारण जल ठंडा होता तो वाष्पीकरण के कारण होता है क्यों होता है क्योंकि घड़े के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्रों से निकले जल का होता है, जो जल निकल रहा होता है ऊपर उड़ जाते हैं और उस सतह का फिर ताप, जल क्या होता? हो जाता है, अंदर वाला क्योंकि तापमान में गिरावट आ जाती वो पूरा का पूरा के अंदर जो जल होता है घड़े में वो ठंडा महसूस होता है तो ये दशा संदर्भित करता है निम्न आर्द्रता से अगर कहीं पर शुष्कता है तो इसका मतलब वो ड्राइनेस एरिया है रेगिस्तान वगैरह वहां पर आद्रता बहुत कम होती है इसलिए वहां पर बारिश कम होती है वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है क्योंकि हर तरफ से दबाव डालता है परंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारा जो रक्तचाप है ब्लड प्रेशर ये बाह्य दाब को संतुलित कर देता है परंतु जब हम जल के अंदर जाते हैं तो हमारे ऊपर जो बाह्य दाब होता है वो बहुत महसूस होता है क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे ब्लड प्रेशर से अधिक होता है इसीलिए जब हम दल जल में जाते हैं नदी में जाते हैं समुद्र में जाते हैं तो वहां हमें महसूस होता है कि हम डूब रहे हैं हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे कि धरती पर रहते हैं नॉर्मल तो हमें वायुदाब का एहसास ही नहीं होता है जाओ एक प्रेशर कुकर वाला प्रश्न अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है आप लोगों को तो देखो प्रेशर कुकर में वायु दाब एवं ऊष्मा अधिक अधिक होती है है तो भी अधिक हो जाता लगभग 120 डिग्री सेल्सियस और जिससे खाना जो है कि जल्दी बन जाता है यानी जब हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं तो उसके नीचे जो ए, उसके अंदर जो ए, प्रेशर होता है और जो हीट होती है वो बहुत अधिक हो जाती है यानी लगभग एक डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्म हो जाती है और जिससे खाना जल्दी बन जाता है तो पहाड़ों पर कम वायु दाब होने के कारण प्रेशर कुकर उपयोगी ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर तो उसे बढ़ाना होता है वायुदाब को तो कैसे बढ़ाओगे प्रेशर कुकर के माध्यम से बढ़ाओगे और प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है और यह निर्भर करेगा कि उस पर रखा गया ढक्कन का वजन कितना है और ऊपर के छेद का क्षेत्रफल कितना है तो देखो यही सीधा सीधा प्रश्न तो आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था आपके आर ओ एग्जाम्स में तो मैंने पहले ही आपको प्रूफ के साथ वीडियो दिखा रखी है उसका लिंक हो सकता है वीडियो के नीचे लगा दूंगा या आप देख भी सकते हो क्योंकि इसमें पूरी तरीके से प्रमाणित किया गया है कि किस प्रकार से आर ओ आर ओ में पचपन से अधिक प्रश्न आए हुए हैं तो यहां से सभी जगह से प्रश्न बने हैं सारे शॉर्ट नोट्स के मैंने प्रूफ भेज दिए हैं टेलीग्राम पे आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो चलिए टॉपिक पर आते हैं दोबारा अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व में कमी होती है लेकिन एक अंतर देखने को मिलेगा कि पानी का जो व्यवहार जीरो डिग्री से चार डिग्री के तक बीच में ठीक उल्टा होता है यानी कि जीरो से चार डिग्री के बीच में उसके आयतन में तो कमी दिखेगी और घनत्व में वृद्धि दिखेगी ठीक है चार डिग्री के बाद जो है कि भले उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आयतन में कमी होना शुरू होगा क्योंकि आय टेम्परेचर बढ़ने का मतलब वो गर्म होता जा रहा है तो उसके आयतन में कमी मतलब वृद्धि दिखेगी और घनत्व बढ़े घटेगा लेकिन अगर वो चार डिग्री से कम है एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री अगर आप इस पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे उसका घनत्व और बढ़ता जाएगा आयतन कम होता जाएगा अर्थात की क्या होगा यहाँ पे आयतन में कमी आएगी और घनत्व में वृद्धि होगी इसलिए आयतन वृद्धि होने से बोतल में बर्फ़ जमने पर बोतल फट जाती है अर्थात जल जमने पर आयतन वृद्धि हो जाती है क्लियर हो गई अब देखो साफ मेघ रहित रातों की अपेक्षा मेघ सहित रातें अधिक गर्म होती क्योंकि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उषमा को परावर्तित करते हैं कैसे अगर मान लो रात में जो है कि बादल हैं ध्यान देना अगर बादल बने हुए तो जो पृथ्वी जो है कि पार्थिव विकरण को रात में छोड़ती है बाहर निकालती है गर्म हीट को लेकिन वो मेघ जो होते हैं बादल जो बने होते हैं उनसे टकरा के वापस वायुमंडल पर आ जाती है पृथ्वी के धरातल पर आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है उस समय रात क्या होती गर्म महसूस होती लेकिन अगर मेघ नहीं है यानी बादल नहीं है तो वो सारी की सारी खुले आसमान में खुले वायुमंडल में निकल जाती हैं निम्न ऊंचाई पर स्थित एवं घने बादल मुख्यतः सौर शॉर्ट वेव रेडिएशन को परावर्तित करके पृथ्वी की सतह को शीतल रखते हैं ध्यान देना कि निम्न ऊंचाई पर स्थित एवं घने बादल मुख्यतः क्या करते हैं तो शॉर्ट वेव रेडिएशन को परावर्तित करके पृथ्वी की सतह को शीतल रखते हैं और इसके साथ ही लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी द्वारा निर्मुक्त गैसों को रोककर वापस भेजती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है तो सेम यही कॉन्सेप्ट है इसमें और इसमें सेम मिलान किया गया है और यदि फ्रिज के दरवाजे को कुछ देर हम खुला छोड़ दिया जाए तो उससे निकलने वाली गैसों से कमरे का तापमान और बढ़ जाएगा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गर्मी में बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना अगर हम फ्रिज खोल के आराम से वहीं बिस्तर लगा के सो जाएं जिससे हमें ठंडक महसूस हो गर्मी जब आती है आपकी मई जून में खूब पसीने वाली तो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि यार अगर क्यों ना हम फ्रिज का गेट खोल दें तो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रिज का रूम खोलने से जो उसमें गैसें बनती है ना जो बहुत हार्मफुल होती है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है वो कि आपके रूम के और को बढ़ा देंगे क्यों तो कहा जाता है कि ए और फ्रिज को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाली गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है क्योंकि तो ये गैसें नुकसानदायक होती है तो जब वो आपके रूम में निकलेंगी तो आपको ठंडा थोड़े देंगी वो आपको और गर्म कर देंगी तो ये यहां पे बातें आती हैं आगे चलते हैं चैप्टर नंबर आठ पे देखते हैं तरंग गति को तो देखो तरंग गति की बात करें तो सबसे पहले यांत्रिक तरंग पढ़ेंगे इनके संचरण के लिए इन्हें माध्यम अनिवार्य होता है क्योंकि तो कोई मीडियम के बिना ये गमन नहीं कर सकती अर्थात निर्वात में ये गमन नहीं करती और ये मुख्यतः तो दो प्रकार की होती है एक होती अनुप्रस्थ जो लंबवत होती है कुछ इस तरीके से चलती है और एक होती अनुदर्घ जो समानांतर होती है कुछ इस तरीके से चलती है ठीक है आगे यहाँ पे और डिटेल इसके बारे में पढ़ लेते हैं अब जैसे यहां पर देखोगे कि जो यांत्रिक तरंग का प्रमुख उदाहरण होता है ध्वनि तरंग ठीक है क्योंकि तो एक अनुदर्ग तरंग होती है जो क्या होती है कणों के सापेक्ष इस तरीके से जाती है एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगे पाई जाती है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से टकरा कर परावर्तित होकर वापस आ जाती है जैसे सैटेलाइट टीवी संचार ये सब कम्युनिकेट हो पाता है जो कि पृथ्वी से जब निकलती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन दीर्घ रेडियो तरंगे तो वो क्या करती हैं ऊपर वायुमंडल में जाती हैं छोभ मंडल क्रॉस करती है समताप मंडल क्रॉस करती है मध्यमंडल क्रॉस करती है फिर आयन मंडल पहुंचती है जहां पे आयन मिलते हैं इट मीन्स कि वहां पे कही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फिर वो उससे रि रिटर्न होकर वापस आती है तब जाके हमारा सेटेलाइट टीवी कम्युनिकेशन मोबाइल वगैरह ये सब यूज हो पाता है ठीक है और अवरक्त किरणों की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेंज जो है कि इसमें आती है किरणें भी आती है रेडियो तरंगों की अगर हम बात करें तो एक्स किरणें रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगे आदि जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव होती है विद्युत चुम्बकी तरंगे भी कहलाती है इसलिए जिनकी गति और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती जो भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती हैं और निर्वात में गमनशील रहती है ये क्या रहती है निर्वात में गमनशील रहती है आगे देखते हैं कॉस्मिक किरणे आवेश कण है कॉस्मिक किरणे आवेशित कण है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भाग नहीं होते हैं ये उच्च ऊर्जा के आवेश कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं जितना प्रकाश की गति जो है कि गमन करते हैं निर्वात में थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर प्रति सेकेंड उसी स्पीड से कॉस्मिक किरणें भी चलती हैं और इनकी तरंगने बहुत छोटी होती है ये सूर्य से उत्पन्न होती है जब इनकी तरंगन बहुत छोटी है तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनकी एनर्जी बहुत अधिक होगी अब जरा ऊषमा की बात करते हैं हीट का ट्रांसफर कैसे होता है तो तीन पैटर्न से होता है फिजिक्स में ये हमने पढ़ा है कि तीन पैटर्न से होता है एक होता है कंडक्शन जिसको हम लोग चालन कहते हैं दूसरा होता है कन्वेक्शन जिसको जिसको हम हम संवहन कहते कहते हैं हैं तीसरा होता है रेडिएशन अगर मैं अलग अलग की बात मैथडू आपसे तो ध्यान देना कि जो चालन होता है और संवहन होता है इन दोनों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यानी ये दोनों जो है कि कहीं ना कहीं माध्यम चाहिए ठोस माध्यम चाहिए सघन वायुमंडल चाहिए तब जाके चालन और संवहन का प्रयोग हो सकता है परंतु जो विकिरण होती है ये एक होती है जो निर्वात में भी गमन करती है किसमें गमन करती है निर्वात में तो इस तरीके से ऊष्मा जो है कि ट्रांसफर तीन मेथड से हो सकती है आज हम एक एक मेथड पे बात करेंगे अच्छा एक एक पॉइंट समझ लेते हैं कि जो सूर्य से किरणें आती हैं दोस्तों उसको लघु तरंगे कहा जाता है अक्सर ये प्रश्न में आता है कि लघु तरंगों का प्रकाश क्या है दीर्घ तरंगे के स्टेटमेंट बनते हैं तो वहां कन्फ्यूज हो जाते हो कि दीर्घ तरंगे क्या होती है लघु तरंगे क्या होती है आपको लगता है सूर्य हमसे बहुत दूर है और सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो दूरी पे होती है यानी कि दीर्घ होती है तो ऐसा नहीं है जस्ट अपोजिट होता है उनको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं जबकि पृथ्वी की किरणें जब वापस यहाँ से निकलती है वायुमंडल में तो उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन या दीर्घ तरंगे कहती हैं ये वायुमंडल से टकरा वापस या परावर्तित होती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो जाती है यही जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जाती है दीर्घ तरंगे या लॉन्ग वेब रेडेशन ये वायुमंडल से टकराती है और परावर्तन

तरंग सबसे अधिक होगी फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम और सबसे कम इट मीन कि सबसे अधिक दूरी किसकी है और सबसे कम दूरी किसकी है ये समझ लो तो अवरोही का मतलब होता है कि मैं यहां पे लिख सकता हूं अधिक ठीक है अधिक लैम्डा और इसकी तरफ हम जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कम लेम्डा। लेम्डा का मतलब होता है दूरी ठीक है अधिक तरंग रेडियो मैंने कहा ना शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं उसमें सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे फिजिक्स के में मिलेंगे बायोलॉजी में मिलेंगे हर एक चीजों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है बस फर्क इतना है कि आप अगर नहीं पढ़ रहे और आपने पीडीएफ को परचेस कर रखा है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को अगर आप अच्छे से देख रहे हो और अगर आपने पहले से ही खरीद रखी हो जितने भी नोट्स की तो कम से कम उसे पढ़ के जाओ अच्छे से रट के जाओ तब जो है कि आप एग्जाम में अपने आप को कॉन्फिडेंस की स्थिति में देखोगे और आप कहोगे कि हाँ सर वाकई यहां से बहुत सारे आपको प्रश्न पीसीएस मिलेंगे ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कि रेडियो तरंगों की जो है कि तरंगद यानी कि दूरी सबसे अधिक है जिसकी का मान अधिक है उसकी एनर्जी का मान क्या होगा कम होगा ठीक उससे कम किसकी दूरी होगी माइक्रोवेव की होगी फिर उससे कम अवरक्त किरणों की होगी उससे कम दृश्य प्रकाश की जो विजुअल होती है और उससे भी कम यूवी रेज की होगी लैमडा और उससे कम एक्स किरणे और सबसे कम हो जाएगी गामा किरणें तो सबसे कम जो है कि तरंगदैद किसकी होगी गामा किरणें होगी क्योंकि कम दूरी चल पाती है तो जरा कम दूरी चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा एनर्जी सबसे अधिक इनके पास होगी कि नहीं होगी अर्थात अगर मैं कहूं कि रेडियो की तरंगे रेडियो तरंगों की जो लैमडा है यानी तरंगदैर्ध्य वो सबसे अधिक है और गामा किरणों की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम है तो ऊर्जा की बात करें जस्ट अपोजिट होती है क्योंकि तरंगदैर्ध्य जितनी अधिक होगी उतनी एनर्जी कम बचेगी तो इसका मतलब रेडियो तरंगों की ऊर्जा कम होगी और गामा किरणों की ऊर्जा अधिक होगी तो यही तो प्रश्न बना था आपका आरओ एग्जाम्स में सुदूर संवेदन तकनीक की बात करें रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग भू परवेक्षण यानी अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए किया जाता है टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है अन्यथा की स्थिति में हम रेडियो तरंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद देख लेते हैं यहां पे कि दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों यानी कि माइक्रोवेव का प्रयोग किया था दूर संचार में ठीक है माइक्रोवेव का बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक या पूर्णतः पूर्णतःमी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं इसलिए टीवी सिग्नल मोबाइल सिग्नल आदि में प्रॉब्लम आती है यानी कि व्यवधान पैदा हो जाता है फिर आगे देखते हैं आंतों के रोगों के निदान के लिए जो आपके इंटेस्टाइन में जो रोग हो जाते हैं आंतों के रोग इनके निदान के लिए हमें एक्स किरणों का प्रयोग करना पड़ता है और सिटी स्कैन में भी इसका प्रयोग होता है वहीं एक्सरे मशीन का आविष्कार जो है कि विलहेम रोटेंजन के द्वारा किया गया था और इस बार ये इस प्रकार के आविष्कारों को भी पूछा गया था उनके क्रम के हिसाब से अब आते हैं ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की अगर हम बात करेंगे यानी हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा साउंड है तो साउंड की अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट है यहाँ पे ध्वनि की बात करें तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल यानी कि ध्वनि का जो वेग होता है उसकी अगर हम बात करें ठीक है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है या ध्वनि का जो वेग होता है अगर हम उसकी बात करें तो ये अलग अलग होता है तो कैसे हम इसको समझेंगे देखो सबसे अधिक जो है कि ध्वनि माध्यम कौन सा होता है ठोस सबसे अधिक होता है मैक्सिमम होती है आपके स्टील में तो पाँच मीटर प्रति सेकेंड तक जा सकती है इसकी स्पीड में ये बताया जा रहा है लोहा में उससे थोड़ा सा कम होता है पाँच होता है हाइड्रोजन में बारह

अधिकतर ठोस एवं कठोर सतहे ध्वनि को परावर्तित करती है जबकि कोमल सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है अपने पास की बात करें इको सुनने के लिए परावर्तित सतह से लगभग 16.5 मीटर या 17 मीटर की न्यूनतम दूरी आवश्यक है कम से कम ध्वनि का जो तारत्व होता है ना पिच पर निर्भर करता है अब यानी आवृत्ति पर अब देखो जिसका तारत्व तो अधिक होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी जिसका तारत्व तो कम होगा उसकी आवृत्ति कम होगी तो इसीलिए महिला और पुरुष का भी जो ध्वनि का कांसेप्ट है वो इसी पर आधारित होता है ध्वनि तरंगों के जो प्रकार होते हैं हो तीन होते हैं एक होता है श्रव्य तरंगे एक होता है अवश्रव्य तरंगे एक होता है पराश्रव्य श्रव्य तरंगे वो होती है जो सामान्यतः व्यक्ति सुन पाता है जिसको बीस हट से लेकर बीस हजार तक कहते हैं अवश्रव्य होता है जिसे व्यक्ति नहीं सुन पाता बीस हट से कम होती है और पराश्रव्य होता है जिन्हें व्यक्ति नहीं सुन पाता तो बीस हजार से अधिक होती है सामान्यतः पराश्रव्य जो होता है इसका उपयोग सोनोग्राफी में होता है अल्ट्रासोनिक तो यानी अल्ट्रासाउंड में होता है गर्भावस्था में जो शिशु की जानकारी होती है अब देखो जो बच्चा भ्रूण है जो पेट के अंदर है उसकी धड़कन कैसे पहचानोगे उसकी जो कि आवाज को कैसे महसूस करोगे कि वो बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है पेट में कोई हलचल है कि नहीं है एक माँ के अंदर तो देखो माँ का जो आवाज होगा माँ के हार्ट की होगा वो तो स्टेथोस्कोप से वरना वो हार्ट में ना आप लोग लेकिन उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है भ्रूण के रूप में उसकी आवाज को सुनने के लिए उसकी हार्ट बीट को सुनने के लिए वो सुरक्षित है कि नहीं सब कुछ सही है कि नॉर्मल है तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो वो पराश्रव्य तिरंगे होती हैं वहीं अगर हम बात करें चमगादड़ भी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हीं के द्वारा निर्देशित की जाती है और ध्यान देना कि कभी भी हम चमगादड़ की आवाज नॉर्मली नहीं सुन पाते हैं हृदय की बात करें तो हृदय अवश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है यानी कि बीस हर्ट से भी कम जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है और ध्वनि की चाल टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जरा ध्यान देना ये आपका अप्लाइड पार्ट हो गया कि अगर साउंड की

होता है तो वो बहुत ज्यादा होती है डब्ल्यू एच ओ के द्वारा जो सुरक्षित नगर होते हैं उनके लिए निर्धारित किया गया ध्वनि प्रदूषण पैतालीसिबलगरी में आएंगे जैसे आवासीय क्षेत्र में अगर बात करोगे तो दिन में तो होना चाहिए पचपन डेसीबल लेकिन रात में जब माहौल एकदम शांत रहता है पैतालीस होना चाहिए शांत क्षेत्र में आपका पचास डेसीबल से चालीस हो गया औद्योगिक क्षेत्र में पचहत्तर दिन में सत्तर रात में और व्यापारिक क्षेत्र में पैंसठ देर में और पचपन रात में होना चाहिए अस्सी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है अस्सी डेसिबल से अधिक जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आयाम बदलता है चाल बदलती तरंगद परिवर्तित होती है परंतु आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती तो मैंने ये प्रकाश वाले में भी पढ़ाया था आपको लाइट में भी कि अगर प्रकाश की गति जो है कि एक, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है या किसी दूसरे सघन से विरल में जाती है तो सब कुछ उसका परिवर्तित होगा तरंगद चाल आयाम सब कुछ परिवर्तित होगा अपवर्तनांक भी परिवर्तित होगा परंतु उसकी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति

जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं यानी कि ही आप टीवी ऑन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ कलर भी देखने को मिलते हैं और साथ में उसमें आवाज भी देखने सुनने को मिलती है चित्र का जो प्रदर्शन होता है वो आयाम मॉड्यूल पर आधारित होता है जबकि श्रव्य का संकेतन जो आपके आवृत्ति आरोपण पे होता है अगला चैप्टर है हमारा विद्युत धारा और आज ही हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा इस मतलब आज की क्लास का फिर इसके बाद जो है कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे तो लगभग हमारी पचपन मिनट की क्लास हो चुकी है और अभी ये क्लास कम से कम पंद्रह मिनट और चलेगी तो दिल थाम कर बैठिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से कवर हो जाए क्योंकि तो जो आर के एग्जाम्स में जो एक आपको प्रश्न दिया हुआ था वो ये वाला था सेम यही प्रश्न था बस यहाँ पे संख्या को बदल दिया गया था और अगर आपने इस नोट्स को पढ़ा होगा इस पैटर्न को तो यहाँ से आप उस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाते तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं तो देखते हैं विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं एक होता है डायरेक्ट और एक होता है यहाँ पे, तो पे समझ लेंगे तो समझते हैं जैसे देखो एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला था आरओ में उसी प्रश्न को रिवाइज कर रहा हूं मैं कि सौ वाट का एक बल्ब है जो दस घंटे जलता है और पांच प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च की जाती है तो कितना खर्चा आएगा तो आप देखो 100 वाट है यानी वाट ले लो कितने घंटे चल रहा है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 1000 वाट घंटा आ गया क्योंकि तो वाट यहां से और घंटा यहां से तो 1000 वाट घंटे का मतलब हो गया एक किलो वाट कितना हो गया एक किलो वाट और 1 किलो वाट की वैल्यू होती है आपकी एक यूनिट इट मींस कि एक यूनिट का जो बिजली बिल आएगा वो ₹5 आएगा अब मैं अगर कहूं यहां पे कि जैसे मान लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल के रूप में कि एक 100 वाट का बल्ब है है और लगभग जो है कि कि पांच बल्ब घंटे जलते हैं तो भाई घंटा हो गया आपका एक नहीं जल रहा पांच बल्ब जल रहा और पांच घंटे जल रहे तो इट मीन की पच्चीस घंटे हो गए कितने हो गए दोस्तों पच्चीस घंटे हो गए अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका पच्चीस ठीक है पच्चीस वाट घंटा हो गया समझना मेरी बात को

तो सारे से ही प्रश्न आ रहे हैं कहीं बाहर नहीं जाना है बस आपको ध्यान देना है दिमाग लगाना है कि कहां कहां से प्रश्न बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं एक मकान में दो बल्ब लगे हुए एक धीमा जलता है इसका अर्थ हुआ कि इस बल्ब में प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस का मान अधिक है यानी जितना आर की वैल्यू अधिक होगी उतनी ही जो एनर्जी है या जो लाइट है उसकी सप्लाई कम होगी तो मैंने आपको बताया था अभी आज के लेक्चर में या शायद कल के लेक्चर में शायद आजिम बताया था कि जितना अधिक आर की वैल्यू होगी यानी कि ये प्रतिरोध के रूप में काम करेगा उतना ही जो है कि फ्लो क्या होगा प्रॉब्लमेटिक होगा यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होगा तो अगर हमें अपने घर में अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए तो हमारे लिए आर मान क्या होना चाहिए कम और ये आर मान बढ़ कब जाता है जब तार आपके पुराने हो जाते हैं उसमें जंग लग जाते हैं उसमें जो है कि कहीं ना कहीं केमिकल आ जाता है तो जो है कि तार गलने लगते कमजोर होने लगते तो आर मान बढ़ जाता है जाओ क्रम, क्रम की अपेक्षा अधिक प्रकाश देंगे जो समानांतर यानी कि पैरलर क्रम में जुड़े होंगे उनकी जो जुड़े बल्ब है वो श्रेणी क्रम की अपेक्षा अधिक प्रकाश देंगे तो समानांतर वाला सबसे अच्छा हो गया अब यहां पे डायनामो की बात करें जो कि विद्युत जनरेटर अर्थात ऊर्जा का परिवर्तक होता है अर्थात दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित कर देता है इसको

फैराडे स्थिरांक भी कहते हैं निकल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसका उपयोग कैलकुलेटर कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ट्रांजिस्टर में किया जाता है तो आपके मोबाइल में भी निकल कैडमियम के बेस पे ही कोई ना कोई बैटरी मिल सकती है विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन धातु प्रयोग की जाती है जिसका गलनांक है कि चौंतीस डिग्री सेल्सियस जब तक तापमान जो है कि तीन हजार चार सौ बाईस डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं गलेगा यानी तब तक वो तार सुरक्षित है और की तो पांच हजार पांच सौ पचपन डिग्री सेल्सियस तक झेल लेता है तो टंगस्टन का तार इसीलिए प्रयोग किया था विद्युत बल्बों में टंग जो ये ठीक है आगे देखते हैं आपस में दो जुड़ी हुई आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर होते हैं ओम्स का नियम कहता है ओम्स लॉ कि इसके अनुसार विभव धारा के विभव जो होती है वो धारा के समानुपाती होता है नहीं? भी जो है आई के समानुपाती होता है अर्थात विभव समान है तो धारा भी समान होगी और धारा उस तरीके से प्रभावित मतलब प्रवाहित नहीं होती है फिर फ्यूज तार के कॉन्सेप्ट की बात करें तो फ्यूज तार का जो निम्न गलनांक होता है यानी कि जरा सा भी इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत ये गल जाएगा इससे क्या होता है क्योंकि निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है जिससे अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही जैसी बहुत अधिक

होता है और फ्यूज तार की विशेषता होती है कि निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता यानी आर का मान इतना अधिक कर दो कि फ्लो होगा ही नहीं मैंने क्या बताया अभी कि ये विद्युत जो फ्यूज तार होते हैं इसकी जो विशेषता है वो ये कि आर का मान दोस्तों इतना अधिक कर दो ना कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो एकदम कम हो जाए और आपके सारे विद्युत तो उपकरण सुरक्षित हो जाए हेलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन, सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है और सोडियम के कारण ही यह पीले रंग का होता है जो सामान्यतः सड़कों पर देखोगे कि हेलोजन लैंप लगे होते हैं जिससे येलो कलर की रोशनी निकलती है तो उसमें सोडियम होता है न्यूनतम और इलेक्ट्रिसिटी कम हो तो क्या आप कहोगे की अच्छी बात है नहीं आप कहोगे सर खराब है ये हमें बहुत परेशान करेगा जो है कि ठीक है ये बहुत परेशान करेगा क्योंकि हम किसी भी चीज को चार्ज नहीं कर पाएंगे कोई काम नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी बार बार भागी रहेगी तो आप क्या सोचोगे कि सर आर का मान तो कर दो कम जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी बढ़ने लगे और इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा घरों में समानांतर श्रेणी का प्रयोग करना पड़ेगा किसका समानांतर श्रेणी का और इसी के वजह से हम लोग जो घर में जो लगाते हैं वायरिंग होती है वो समानांतर श्रेणी पर होती है बस इसको याद रख लो अच्छा आपने सी एफ एल देखोगे अब तो खैर एलईडी आ गए सी एफ एल जो बल्ब होते थे उनका नाम होता फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एलईडी ठीक है लाइट इमिशिएशन जो डायोड होता है ऐसा अति मिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य और अदृश्य प्रकाश को सर्जित करता है या विद्युत संदिप्ति

आप कोई टच कराते तार को तो आप क्या प्रकाश दोगे नहीं क्योंकि तो आपके अंदर तो गैलिनियम आर्सेनाइड है ही नहीं आप तो जो है कि सकारात्मक धनात्मक आवेश हो तुरंत आपको जो है कि बिजली क्या करेगी आपके बाल खड़े कर देगी आप में से लाइट नहीं निकलेगी बल्कि लाइट एलईडी में से निकलेगी जैसे हम उसे बिजली देते हैं करंट देते हैं तो तुरंत जो है कि प्रकाशित हो जाता है क्यों क्योंकि उसमें गैलीरियम आर्सेनाइड होता है

ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो पारे यानी मरकरी के साथ हम इसमें ऑर्गन भर सकते हैं जिनोन भर सकते हैं नियॉन गैस भर सकते हैं तीनों में से कोई भी आप गैस भर सकते हो जो हमारा जो पहले लगती थी ना जो लंबी सी ट्यूबलाइट लगती थी उसकी बात करते हैं अब तो खैर ट्यूबलाइट हट चुकी है विद्युत विभव एक अधिस राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति गुलाम होता है और जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती 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 तो विद्युत विद्युत विभव क्षेत्र आपकी ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य करता है या डायरेक्ट धारा के साथ काम नहीं करता है ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए किया जाता है मोबाइल फोन चार्जर एक औपचाई ट्रांसफर होता है ट्रांसफार्मर होता है यह वोल्टेज को घटाने का काम करता है अदरवाइज आप देखोगे अगर बहुत अधिक लाइट आ जाए और आपके चार्जर अगर खराब क्वालिटी के हों या किसी डैमेज क्वालिटी के हो तो आपके मोबाइल को ख़राब कर देगा क्यों क्योंकि वो वोल्टेज को रोक ही नहीं पाएगा इसीलिए कंपनी हमेशा अच्छे कंपनी के चार्जर बनाती है अच्छी क्वालिटी के जिससे अगर उसमें बहुत अधिक वोल्टेज भी आ जाए ना बहुत अधिक पावर भी आ जाए तो भी वो आपके मोबाइल तक पहुँचते पहुँचते नॉर्मल हो जाए और अगर खराब भी हो तो चार्जर हो मोबाइल नहीं होना चाहिए सोलर सेल का मुख्य कार्य क्या होता है तो ये सोलर सेल यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना और डीजल द्वारा रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में भी चेंज किया जाता है अब यहां पर हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि अब इस क्लास को आज होल्ड करेंगे हम लोग और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों आपका चैप्टर सभी समझ में आ रहे हैं और आप भी इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करो और वहां से इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो देखो रेक्टिफायर की बात करेंगे इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ए जिसे हम कहते हैं दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर दिया जाता है एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करेंट से इन्वर्टर के द्वारा क्या होता है डीसी को एसी में चेंज किया तो कि जाता है तो के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है भुकोड, यानि भुकोड के अंदर की चक्रक धाराएं जो होती है और इसी में जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो सैटेलाइट होते हैं इसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या है वो सोर सेल होता है क्या होता है सौर सेल कृत्रिम उपग्रह कि सैटेलाइट जो अगर होती है तो इसमें ऊर्जा का क्या है सौर सेल है सेल और अगर हम बात करें तो सौर सेल में क्या होता है जो लाइट होती है इसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है और ये सिलिकॉन के निर्मित होते हैं अन्य नाम होता है इनका फोटो सेल यानी कि प्रकाश वोल्टी सेल भी कहते हैं तो ये तो हो गई आज की हमारी क्लास और अब हम लोग कल से पढ़ेंगे कन्वेक्ट मतलब चालकता से पढ़ेंगे और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्योंकि यही सारे प्रश्न देखो आपसे फिजिक्स में पूछे जाते हैं और कोई डिटेल से ज्यादा नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी से पूछे जाते तो वो मैंने पहले ही करा दिया और फिजिक्स के बाद मैं तुरंत केमिस्ट्री शुरू करूंगा और मेडिवल हिस्ट्री भी जो है कि अब आपकी शुरू हो रही है तो इस तरीके से हमारे शॉर्ट नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग